करने का भी दो तरीका होता है, एक ओवल लैप होता है और दूसरा होता है जो हम कटिंग करने के बाद जो दिखता है वो होता है। ठीक है, जैसे कि इसे करने के लिए आप लोग इसका भी हेल्प आप ले सकती है आप लोग, जैसे कि ये बीसी के एक पैटर्न है, इसका भी हेल्प ले सकती है आप लोग। और ये जिस जगह में है हमारा उसी हिसाब से हम लेंगे और उसके बाद ये पार्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इस जगह को बड़े, इस जगह को छोटो कर सकते हैं, इस जगह को सेम सेम, इस जगह में जितना मेजरमेंट है इस जगह को भी मेजरमेंट आप सेम ही ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसा भी आप लेकर बना सकते हो। और उसके बाद जैसे कि इसका दो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक फ्रेंड जैसे कि जो पैटर्न मैंने बनाया है उसी हिसाब से ये रहेगा, और ये जब सीम्स के जुड़ जाएगा सभी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये पुट्टी लगा देने से भी हो जाएगा। और एक बात है, जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस पार्ट को ड्रॉ किया है उसी हिसाब से भी आप कर सकते हो, जैसे कि इसका सिंपल सा ये टेक्निक यूज करके भी इसे कर सकते हो आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ। चाहे तो इस पार्ट को ऐसे रखे, थोड़ा सा कम कर दे अभी से ये, और इसके ऊपर से थोड़ा सा ये चेंजिंग आएगा। यानी कि हम इसको जब करेंगे फ्रेंड, हम अगर इस पार्ट में सीम्स ले ले तो अच्छा होगा, जैसे कि इस पार्ट को मैं कटिंग कर दूं, अगर इसी तरह कटिंग कर दूं तो इसके ऊपर दो पट लगेगा और उसके ऊपर से ये पट चाहिए, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उससे प्रॉब्लम होगा जब आप इसे फिनिश करेंगे तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि ये जो ऊपर का जो जो बैक का, यानी कि हमारा ये शोल्डर कितना मूव कर रहा है, इधर इधर कितना मूव कर रहे हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात जैसे कि इस जगह को जब हम जुड़ेंगे वो तो ऐसा ही आएगा, ये तो देख ही रहा है आप लोग, ये हमारा पैटर्न बेसिक का पैटर्न ऐसा आएगा। तो ये जो डिजाइन है इस जगह में, तो इसे क्या करना है, इसे ऐसे रखना है, इस जगह को ऐसे कर दिया, थोड़ा सा इसको कटिंग कर दिया है, तो हम इसे भी कटिंग कर देंगे इस जगह को। चलिए इसे भी हम कटिंग करते हैं, जगह को ये ऐसे कर दिया है, फ्रंट पार्ट को ऐसे हमने कटिंग कर दिया है, और ये जब सीम्स हो जाएगा ये देखिए ये इतना आ गया है, और जो हमारा फ्रंट जो पार्ट होगा ये देखिए, और इसी हिसाब से इस जगह को ये पार्ट अलग मेजरमेंट चाहिए फ्रेंड। ठीक है, हम दोबारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं ये, मगर ये जब मैं कटिंग करूंगा तो अलग से कटूंगा, मैं तो देख रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को, जैसे कि दो तरीका होता है, एक कटिंग करके और एक ओवरलैप करके। कटिंग अगर करूँ तो ये चलेगा, और अगर ओवरलैप करूँ तो इसके ऊपर चलेगा। तो चलिए मैं इसके ऊपर जो टेक्निक आसान है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे कि तब आपको एक पट ऐसे कटिंग करना है और एक पट ऐसे कटिंग करना है। अगर ऐसे कटिंग करना है तो मैंने इस पार्ट में हाफ इंच दिया, और जो इस पार्ट होगा इस पार्ट में भी हाफ इंच आपको देना ही देना है, और इस पार्ट को भी आप तैयार करके करने के बाद ये भी कटिंग करना होता है। ठीक है, तो वो टेक्निक मैं नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि मैंने बोल दिया आप लोग जो करना चाहते हैं आप कर सकते हो, मगर मैं दूसरा जो टेक्निक है मैं वो दिखा रहा हूँ। वो एक पार्ट तो मैंने हमारे पास है, और दूसरा पार्ट ये है फ्रेंड, जैसे कि इस पार्ट को हमें फिर से ड्रॉ करना है, ये जो नेक फ्रंट नेक गया ये हम सीधा ऐसे लेंगे,
चलिए इसको हम फ्रंट में लेके दिखाएं ताकि आपको आसानी होगा समझ में। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए ये पार्ट हो गया है और ये पार्ट हो गया है। उसके बाद हमने तो एक्वर्ड फार्मूला ले रहा हो और उसके बाद इसी तरह एक शॉर्टिंग करना है इसे भी। चलिए हमारा तो सब ठीक ठाक है कि नहीं हम जरा देखेंगे इसे। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मगर इस जगह में आपको कटिंग करना है, ऊपर नहीं कटिंग करना है फ्रेंड। थोड़ा सा अगर बड़ा भी हो जाए तो इस जगह को आपको कटिंग करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा इधर का पार्ट तैयार हो गया है और उसके बाद फिर इसे ऐसे ही रखना है। जो ऐसे गया है वो पार्ट हम कटिंग करेंगे। वो देखिए ये तो ठीक ठाक है और ये देखिए ये इस पार्ट को भी आप दो तरीके से कटिंग कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये देखिए और एक बात बता दूं, जैसे कि इस पार्ट में आप चाहे तो फोल्ड दे सकते हो। कितना मेजरमेंट हमने दिया है इस जगह को, ये देखिए इस जगह को ऐसे, तो क्या होगा फ्रेंड, इस जगह में फोल्ड मिलेगा आपको। और नहीं तो अगर आप सिंगल करना चाहते हो तो इस जगह को भी आप ऐसा ही रखे तो ठीक है, इधर स्टिच देना करेगा तो क्यों हम करें, हम तो ऐसे ही करेंगे, आपको इजी होगा। तो एक चीज देखना है आपको, ये जो मैंने सीम्स लिया है ये सीम्स के बराबर आपको लेना है। और अगर ये पार्ट मैंने एक्वर्ड रखा है तो हम इस पार्ट में सीम्स नहीं लेंगे, हम इस पार्ट में लेंगे। यानी कि ये हमारा जो पार्ट है ये पार्ट में हम सीम्स लेंगे तो हमारा सभी ठीक ठाक होगा। और ये हम इस जगह को थोड़ा सा बड़ा, इस जगह को छोटा भी हम कर सकते हैं इस जगह को। और इधर जैसे कि एक इस जगह में हमने फ्रंट का जो शेप होता है वो अगर हमने शेप दे दिया तो शेप देना है कैसे, जैसे कि इस जगह के हिसाब से ही देना है। ये देखिए, चलिए हमने ठीक ठाक ही ले लिया, ये देखिए ठीक है। और ये सब हमें देखना है, चलिए हमने ठीक ही ले लिया। और उसके बाद इधर ऐसे करना है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग करना है इस जगह को। और ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए ये हमारा जो ये जो पोजीशन है फ्रेंड, तो इस जगह का पोजीशन अगर हम ऐसे ले तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको और दिखाने की और कुछ भी ना रहा फ्रेंड, ये ऐसा होता है, ये बहुत सिंपल है। पीछे का पार्ट जैसा वैसा ही रखना है और इस जगह के लिए हम ऐसे रखेंगे इसे। और इस जगह को जो फ्रंट का जो पार्ट है वो जब रेडी हो जाएगा वो ऐसा दिखेगा पैटर्न, जब कैसा ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं ये सब आपको देखना है इसी तरह, ठीक है, इसी तरह इसे देखना है। और ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इसी तरह, चलिए। और इसके बाद इस पार्ट को हमने ऐसा दे दिया, ठीक है। और ये डिज़ाइन जब स्टिच हो जाएगा, और एक बात, जैसे कि इस जगह को आप चाहे तो आप इसे और भी डीप भी कर सकते हैं इस जगह को, ठीक है। तो ये सब
कुछ मायने नहीं रखता है फ्रेंड इस जगह को। अगर आप इस पार्ट को इसके ऊपर दे दे तो आपको ऑब्वियसली एक चीज़ ध्यान में रखना है फ्रेंड, इस जगह में शेप नहीं देना है, इस जगह में कोई शेप नहीं देना है। जैसे कि एक पार्ट के अंदर अगर हम शेप दे दे तो उसके नीचे क्या हो जाता है, नीचे तो ऐसे अगर करे, ऊपर का पार्ट अगर ऐसे दे दे तो इस जगह का कपड़ा को रिंगल आ जाएगा। तो इसलिए नीचे का पार्ट भी स्ट्रेट रखना है, ऊपर का उसके ऊपर ओवरलैप करना है। ये एक आसान तरीका है इस डिज़ाइन बना लेकर, बहुत ही सिंपल ये तरीका है। और दोनों स्लिप लगा दें हम इसे, इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखिए मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, फिर एक मॉडल में दिखा रहा हूँ इसे, तो ये देखिए इसे तैयार होने के बाद इस जगह को ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे इस जगह में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो इस जगह को ये ऐसे आ जाएगा। इसके नीचे मैंने तो ओवरलैप कर दिया है इस जगह को, और ये जो नीचे वाला का जो पार्ट है वो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फ्रेंड और कुछ भी बोलने का नहीं है फ्रेंड। जो लोग हमारा वीडियो अभी तक देख रहा था तो शायद आप लोगों को जो रिक्वेस्ट था वो मिल गया, और इसी के साथ साथ मैंने नया डिज़ाइन में आप लोगों को सिखा दिया हूँ फ्रेंड। और इसी के साथ इस वीडियो ख़त्म करूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा नीचे जो लाइक बटन है उसे क्लिक करके लाइक कीजिए। तो जिस तरीके से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहा है मैं अपना भी रिक्वेस्ट फुलफिल करता जा रहा हूँ, तो उसी हिसाब से आप लोगों को और भी डिज़ाइन आगे जाकर आप लोगों को हमारे चैनल से सीखने के लिए मिलेगा। और जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे रेड बटन है उसे क्लिक करके। और जो लोग घर में बैठ कर सीखते हैं हमारा वीडियो और हमसे पेन ड्राइव खरीद कर सीख रहे हैं उन लोगों को फिर से मैं दिल से थैंक्स कर रहा हूँ। तो आप लोग इसी तरह सीखते रहिए, देखते रहिए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमारा फ़ोन नंबर डिटेल्स नीचे दिया हुआ है, फ़ोन ना अगर पाए तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, मैं रिस्पांस ज़रूर दूंगा। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।